करो इधर वीडियो। जिन्ने लोग हैं सारे मेरा साथ दिता, अगर अज मेरा बच्चा है सारे मेहनत सारे लोगों कर रहे 24 घंटे हर वेले हर बंद साथ दे। मैं सारे का शुक्रिया अदा करना आर्मी का, सारे बद करना आर्मी हर वेले अज कल करी करी मेरा बच्चा अज कर लिया और तुंदा मीडिया है मता शुक्रिया तुम्हें मेरी गल हर जगह पुजाई है हर जगह पुजाई आर्मी ज्यादा उस बंदे दा यार फिस्ता बड़ी है मेरे बच्चे दस्या सियाल कोटदा बंदा और मीडिया दा जिन्हें मेरा पूरा साथ दिता है और मेरे टाउन दा मेरे अगे पिछे जिन्ने लोग हैं सारे मेरा साथ दिता, अगर अज मेरा बच्चा है सारे मेहनत सारे लोगों कने कर रहे 24 घंटे हर वेले हर बंदे साथ दे। मैं सारे का शुक्रिया अदा करना आर्मी का सारे बद करना आर्मी हर वेले अज कल करी करी मेरा बच्चा अज कर लिया और तुंदा मीडिया है मता शुक्रिया तुम्हें मेरी गल हर जगह पुजाई है हर जगह पुजाई। सर क्या कहना चाहोगे जिस तरह से पाकिस्तान से शब हर्ष का आज घर पहुंचा जोड़िया में, किस तरह से देखा, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं इस दुखद घड़ी में हम हर्ष के परिवार के साथ शाना बशाना खड़े हैं और मैं पूरे गांव की तरफ से पूरे इलाके की तरफ से जैसे जिस प्रकार से आर्मी ने बीएसएफ ने और सरकार ने एमपी साहब ने और पूरे प्रशासन ने संज्ञान लिया, हम जहां यहां भी गए वहां वहां से मैसेज फ्लैश हुए और आज उस मेहनत जो आर्मी ने की बीएसएफ ने की और सारे प्रशासन ने की उसका नतीजा निकला कि भारत को शब जो है हर्ष का पाकिस्तान को सौंपना पड़ा। और वैसे तो जिस दिन का हमें पता लगा था उस दिन से ही शोक की लहर थी और काफ़ी सारे लोगों ने नेताओं ने अपने अपने तरीके से अप्रोच लड़ाई और आर्मी ने इसका जो पूर्णता संज्ञान लिया। मैं भारतीय सेना का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, उसके साथ साथ बीएसएफ का और ख़ासकर हमारे एमपी साहब का जिन्होंने हमारा प्रार्थना पत्र जो है वो विदेश मंत्रालय में जाके दिया और फिर प्रेस क्लब को कोर क्लब का जिन्होंने आईपीएल लगा के तो वहां से भी एक कोर्ट ने भी जो आदेश जो विदेश मंत्रालय को दिया उन सब का जो आज नतीजा निकला है मैं सारे क्षेत्र के लोगों की तरफ से सबका जो है वो धन्यवाद करता हूँ। बहुत दुख की घड़ी है ये जो जख्म
हर्ष के परिवार को मिला है, इसकी हम कोई भी जो भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन उसका अंतिम संस्कार हम सनातन के अनुसार करके कम से कम उसके परिवार को और हर्ष की आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। बस यही कहूँगा कि सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कल उसका संस्कार होगा और सब क्षेत्र के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर हर्ष को श्रद्धांजलि दें। जय हिंद।